Hello everyone. Now before we proceed further and we could talk about Klinefelter syndrome or Turner syndrome, let us have a look at the chromosome numbers which we have and let us understand it once more and then we will proceed. As we all already know, in the human beings there are 46 chromosomes present. 46 means they are 23 pairs. Ye chromosomes hamesha pairs mein hote hain. Out of these 23 pairs, 22 are autosomes which decide all the characters of the body except for the sex, right? And the 23rd one is sex chromosome. Sex chromosome ये decide करता है कि जो baby develop हो रहा है वो male child होगा या female. तो हमें ये भी मालूम है कि अगर XX chromosome मिलते हैं तो baby female develop होता है और अगर जो है XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो बेबी मेल डेवलप होता है. इट मींस जो मेल बेबी डेवलप होता है उसमें जो है एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है विच कॉजेज द बेबी टू बी अ मेल. सो नाउ इफ दिस मच इज क्लियर देन वी कैन डिस्कस व्हाट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लेट्स सी. दिस सिंड्रोम वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर. It is actually due to the sex chromosome number variation. Means जब sex chromosome जो मैंने आपको अभी अभी बताया कौन कौन से होते हैं XX और XY. So ये sex chromosomes जो है इनका number जब vary करता है, vary मतलब जब वो XX या सिर्फ XY नहीं है, इनके इनसे कुछ और अलग हो जाए, तब जो है ये Klinefelter सिंड्रोम होगा. या जितने भी क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर ही वेरी करता है. आपने डाउन सिंड्रोम में देखा था कि 21st क्रोमोसोम दो होने की बजाय तीन हो गए थे, मतलब पैर एक पैर की बजाय एक एक्स्ट्रा आ रहा था, वहां पर ट्राइजोमी हो गई थी. तो ये सारे के सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आप क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है, नॉर्मल से वेरी करता है. देन इस सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल है उसमें क्रोमोसोमल मेकअप होता है एक्स एक्स वाई. देखिए अब ये एक्स एक्स वाई का क्या मतलब है. हम एक्स एक्स तो जानते हैं कि फॉर फीमेल होता है, ठीक है. हम एक्स वाई जानते हैं कि फॉर मेल होता है. लेकिन यहां पे क्या है, दो एक्स आ रहे हैं और एक वाई आ रहा है. तो फिर इस इंडिविजुअल के जेंडर को डिसाइड करना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना will be a little bit tedious work. Now see, इस Y क्रोमोसोम की वजह से पर्सन मेल है. अगर हम इस X को छुपा लें और XY देखें तब तो ये पर्सन मेल होगा. लेकिन क्योंकि इसमें दो X भी प्रेजेंट है तो ये मेल तो होगा मगर ये शो करेगा कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स ही विल हैव द पर्सन विल बी एक्चुअली अ मेल विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये हो गई क्या Klinefelter सिंड्रोम की प्रॉपर सिचुएशन, कि यहां पर जो क्रोमोसोम है वो नंबर वेरी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्स एक्स या एक्स वाई नहीं है, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स एक्स के साथ एक वाई भी है. तो वाई की प्रेजेंस के कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा मगर दो एक्स आने के कारण, दो एक्स में क्या हो जाते हैं फीमेल, तो दो एक्स आने के कारण उस मेल बॉडी में कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे. और इस सिचुएशन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है, ठीक है. दे आर मेल्स, ये मेल होते हैं लेकिन ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि मेल बॉडी है बट दे हैव वॉइस लाइक फीमेल, दे हैव एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच इज एक्चुअली सीन इन फीमेल्स, बट क्योंकि यहां दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसके कारण फीमेल वॉइस और साथ में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ऐसे मेल्स में देखने को मिलता है. देखिए नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. अगर ये हमारी सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम, जिसके कारण जो है ये फीमेल बॉडी डेवलप होगी. लेकिन यहां क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में, एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है और ये बार बॉडी क्या करती है, ये बार बॉडी जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डेवलप करती है. नाउ यू सी नॉर्मल सिचुएशन क्या थी, ये एक मेल है तो मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम, तो आपने देखा कि इसमें क्या कंडीशन आ गई, एक्स वाई नहीं है एक्स एक्स वाई है. तो अगर ये एक्स वाई क्रोमोसोम इस बॉडी को, इस मेल, इस पर्सन को मेल डेवलप कर रहे हैं
दैट डेवलपिंग इट एज मेल, तो क्या होगा, जो एक एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट है, जो एक एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इसमें एक बार बॉडी डेवलप करेगा. और ड्यू टू दिस व्हाट इज हैपनिंग, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. स्टेराइल का मतलब होता है दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, तो ये स्टेराइल होते हैं. दे कैन नॉट गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन काइंड, राइट. तो ये XXY और ट्रिपल एक्स कंडीशन भी होती है. मैंने अभी आपको XXY सिचुएशन बताया, जैसे हम एक्चुअली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही कहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि फीमेल बॉडी डेवलप हो रही है और उसमें एक एक्स्ट्रा जो है एक्स बन जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में दो बार बॉडी होती है. ऑल्दो दिस इज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, बट यू शुड नो ये भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का एक केस है कि जब सेक्स क्रोमोजोम XX हो, बॉडी विल बी फीमेल, बॉडी विल डेवलप एज फीमेल, मगर एक एक्स्ट्रा एक्स है, तो इसके कारण उस ऑर्गेनिज्म में दो बार बॉडी डेवलप होंगी. यहां क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा एक्स के कारण एक बार बॉडी डेवलप हो रही थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. आई होप दिस वॉज क्लियर, एंड दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर.